सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले केस में मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी है। उन्हें ईडी और सीबीआई केस में जमानत दी गई है। अदालत ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी है। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट निचली अदालत के पास जमा कराना होगा। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि वह पढ़ी लिखी या विधायक हैं या सांसद हैं, तो उन्हें पीएमएलए के प्रावधानों का लाभ से वंचित रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सबूत जुटा लिए गए हैं, लेकिन ट्रायल में समय लगेगा। जमानत देने से इनकार करने का हाईकोर्ट का आदेश बेल के कानूनी सिद्धांतों को नकारता है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीआरएस पार्टी सदस्य के कृष्णांग ने पोस्ट कर कहा कि जेल में 164 दिन कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए, उनके खिलाफ लगाए गए झूठे आरोप भी सिद्ध नहीं हुए। बीजेपी हार गई, कविता जीत गई। सुप्रीम कोर्ट आपका धन्यवाद। बता दें कि कविता के लेकर ईडी का दावा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप के 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। कविता इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता नौकरशाह और कारोबारी हैं। ईडी के मुताबिक के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी। कविता को ईडी ने इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।